गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। माई सेल्फ पटेल दीक्षिता एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडीज चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी एंजॉयड वन स्टोरी। द बाजरा मीन्स मिलेट से one small story and we enjoyed that. Then we discuss about agricultural changes, like some changes in agriculture. How was that day? Means old day agricultural practices and nowadays agricultural practices, like irrigation means give water to crop. So some method are irrigation are different in nowadays. Like पहले लोग क्या करते थे, खेतों में well से water निकाल के then canal से उसे supply करते थे, but अभी क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेथड्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, सो इट इज इरिगेशन मेथड ऑफ नाउडेज। ओके, सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी के डेज में। एंड पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग प्लाइंग किससे करते थे, प्लाव से। ओके, बट नाउडेज प्लाविंग किससे होता है, ट्रैक्टर से। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट दैट एंड वी लर्न अबाउट सम फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। ट्यूजडे 18 December 2007 इन आंध्र प्रदेश। ये रिपोर्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कब का है, 18 December 2007। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स। सो आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो अपनी लोन नहीं पे कर पाने की वजह से कहाँ चले गए थे, जेल में उनको डाल दिया गया था। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग। वन ऑफ दीज फार्मर्स नलप्पा रेड्डी हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ ₹24,000 टू रिपे द लोन। ही हैड टू टेक अनोदर लोन फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लैंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इवन आफ्टर रिपेइंग ₹34,000, रेड्डी कुड नॉट रिपे द एंटायर लोन। रेड्डी सेज द बैंक सेंड्स फार्मर्स टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स, बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन। सो फ्रेंड्स, बैंक्स में क्या किया गया था, जो फार्मर्स ने लोन को रिपे नहीं किया था उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उसमें से एक फार्मर कौन था, नालप्पा रेड्डी, जिन्होंने कितने बैंक लोन लिए थे, 24,000। ओके, प्लीज अंडरलाइन, कितने लोन लिए थे, 24,000, एंड उन्होंने रिपे कैसे किया था, अदर पर्सन से मींस मनी लेंडर से, प्राइवेट मनी लेंडर से वो लोन वापस लेकर उन्होंने रिपे किया था, कितने हाई इंटरेस्ट पे। ओके, एंड उनको कितना रिपे करना पड़ा, 34,000। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि अगर फार्मर्स बैंक लोन नहीं पे कर पा रहे तो उनको कहाँ जेल में डाल दिया गया, तो फिर बिग बिजनेसमैन उनका क्या होगा। मींस फार्मर ने तो स्मॉल लोन ली थी ओनली 24,000, बट जो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं रिपे नहीं करते, तो उनके साथ क्या किया जाता है, दे टेक लोन्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज, नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी। सो
बिजनेसमैन क्या करते हैं, करोड़ों की लोन लेते हैं, बट जब वो रिपे नहीं करते तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। इन फार्मर्स को क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। नालक परेडी स्टोरी इज सेड बाई थाउजेंड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। द सिचुएशन इज ऑल्सो सो बैड दैट मैनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। दिस नंबर मे बी मच हायर। सो फ्रेंड्स, लोन रिपे नहीं कर पाने की वजह से 1,50,000 फार्मर्स सुसाइड कर गए। कब? 1997 से 2005 के बीच में। सो ये नंबर्स जो है वो इससे भी हाई हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवर इंडिया, इन ओवर इंडिया दिस इज वेरी बैड, बिकॉज जो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा करोड़ों की लोन लेते हैं उनके साथ कुछ नहीं किया जाता है, एंड फार्मर्स को क्या किया जाता है, टॉर्चर करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। नाउ लुक एट हियर, दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्क। व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग? राइट सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन द ईयर? विच क्रॉप नीड्स हाउ मच वाटर? सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हम फार्मर से ही कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अपने एक ग्रुप बनाना है, फार्मर के साथ डिस्कस करना है। लाइक आप कितने क्रॉप्स लगाते हो पूरे साल में, देन किस क्रॉप को कितना ज़्यादा वाटर लेता है, लगता है, आप कैसे कैसे फर्टिलाइजर ऐड करते हो, किस तरह से, कौन से क्रॉप में कौन सा फर्टिलाइजर या कौन सा मैन्यूअर चाहिए होता है, वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। विजिट अ फार्म नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट। रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180 बाय अ ग्रुप ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स हु वेंट टू विजिट भास्कर भाई'स फार्म। सो नेक्स्ट पेज पे एक रिपोर्ट दिया गया है जो कि क्लास 5 के स्टूडेंट जो कि भास्कर भाई के फार्म में गए थे, तो उन्होंने जो रिपोर्ट रेडी किया था वो यहाँ पे दिया गया है। लुक एट हियर, भास्कर भाई फार्म, देहरी विलेज, गुजरात। सो दिस इज अ रिपोर्ट, एंड एज वी एंटर हिज फार्म वी वेर सरप्राइज, देयर वेर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस seemed so dry as if eaten by insect. At place we show some plants with colorful leaves. Why these? Bhaskar bhai said they were croton plants which gave him a signal when the soil become dry. So friends, look at here, this is a description of these plants. सॉरी दिस फार्म, बिकॉज फार्म कैसा था जब वो एंटर हुए, तो फार्म कैसा था उसमें बहुत सारे डेड लीव्स थे, देन वाइल्ड प्लांट्स थे, एंड ग्रास जो कि सभी जगह थी, एंड कुछ प्लांट जो कि ड्राई हो चुकी थी, एंड ऐसा लग रहा था जैसे उससे मीन्स उस ब्रांच को, लीव्स को किसने खा लिया है, इंसेक्ट ने। एंड कुछ जगह पे प्लांट्स कलरफुल लीव्स वाले थे, तो भास्कर भाई ने उनको बताया कि ये प्लांट्स ऐसे हैं। कौन से प्लांट्स हैं? क्रोटन प्लांट्स। प्लीज अंडरलाइन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्रोटन प्लांट्स क्या करते हैं, उनको सिग्नल देते हैं जब सॉइल ड्राई हो जाती है। वी वर सरप्राइज हाउ ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो deep in the ground. So when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and become limp. This signal tells Bhaskar bhai which part of him farm needs to be watered. So aise plants lagaye gaye hain jinke root means croton plant ke root
बहुत ही डीप में अंदर नहीं जाते, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि कौन से सॉइल में वाटर लेवल कम हो रहा है, वो सॉइल ड्राई हो रही है एंड वो सॉइल को उनको इरिगेशन मींस वाटर सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर। भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज। His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. He dug the soil a little and told us to look. So, Bhaskar bhai ki soil kaisi thi? Bhaskar bhai ke farm ki soil kaisi thi? Soft and crumbly. Okay? And वहाँ पे बहुत सारे टॉल कोकोनट ट्रीज थे, मींस बहुत बड़े बड़े कोकोनट ट्री थे एंड वो ट्रीज पे फ्रेश कोकोनट थे बहुत सारे। ओके एंड उनको ऐसा लगा कि भास्कर भाई स्पेशल फर्टिलाइजर यूज करते होंगे, बट भास्कर भाई ने कहा कि वो किसी भी फैक्ट्रीज में बने फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, उनकी सॉइल फर्टिलाइजर फर्टाइल है बिकॉज उनके फार्म में जो ड्राइड लीव है वो ऐसे ही रहने देते हैं वहीं पे एंड वो डेड लीव्स सॉइल में मिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं फर्टाइल हो जाती है। एंड उन्होंने थोड़ी सी सॉइल ली एंड उनको बताया कि किस तरह से सॉइल कैसी सॉफ्ट एंड क्रम्बी है। एंड वी सो थाउजेंड ऑफ अर्थवर्म्स, दीज आर मे सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। ही सेड द अर्थवर्म्स सॉफ्ट इन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडर नेट टू मेक टनल्स। दीज वे एयर एंड वाटर कैन easily get into the soil. The earthworms also eat the dead leaves and plants and their droppings fertile the soil. So, उनको जो soil दिखाई भास्कर भाई ने उसमें बहुत सारे earthworms थे। तो earthworms क्या करते हैं? Dried leaves को eat करते हैं and then उनका dung जो कि सॉइल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे कि सॉइल में वाटर एंड एयर इजी तरह से इजीली वो ट्रांसफर हो सकते हैं एंड सॉइल कैसी रहती है सॉफ्ट। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी हु हैज डग अ पीट इन हिज गार्डन। ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पीट अलोंग विथ ऑल द किचन वेस्ट peels of vegetables and fruits and leftover food. He also had earthworms in the peat. They turn the waste into compost, means a natural fertilizer. So his uncle gets good fertilizer without spending extra money. So Praveen ne सभी चाइल्ड्स को उनके अंकल जो कि सिटी में रहते हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने क्या किया था? गार्डन में एक पीट मींस एक गड्ढा बनाया था एंड उसमें बहुत सारे ड्राइड लीव्स जो कि उन्होंने डाले थे, देन उसमें क्या ऐड किया, किचन का जो वेस्ट होता है, देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का जो वेस्ट होता है, बचा हुआ फूड वो सारा डाल दिया एंड उसमें अर्थवर्म ऐड कर दिए एंड इस तरह से वो क्या बना दिया उन्होंने कंपोस्ट मींस मैन्यूअर नेचुरल फर्टिलाइजर। तो उन्होंने मींस प्रवीण के अंकल ने विदाउट स्पेंडिंग मनी कुछ भी मनी स्पेंड किए बिना एक अच्छा मींस गुड फर्टिलाइजर बना लिया। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म, दे वर रियली टेस्टी। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग। सो कौन कौन था ग्रुप में? प्रफुल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण
क्लास 5 सी। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ग्रुप बनाकर आपके नियर में, आपके नजदीक में जो फॉर्म है उसमें जाकर विजिट कर सकते हो। ओके, नाउ लुक एट हियर, द नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज? सो यहाँ पे बाजरा की जर्नी दी गई है, कहाँ से? यस, फील्ड से लेके प्लेट तक, मीन्स फील्ड में से किस तरह से बाजरा आता है, उसे किस तरह से उसके सीड्स को अलग करते हैं एंड किस तरह से वो प्लेट में आता है। ओके, फर्स्ट वन इज रेनी आई मरकरी, देन मिलेम्बर, देन थर्ड वन इज सेपरेटिंग ऑफ सीड्स, देन सीड टू फ्लावर, मीन्स कैसे सीड से उसका फ्लावर मीन्स आटा बनाया जाता है, देन आटे को गूंद के उसे इस तरह से क्या किया जाता है, उसकी रोटी बनाई जाती है, देन रोटी को सेक के उसे प्लेट में रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस। इन पिक्चर टू यू कैन सी द बाजरा कॉप्स इन द मॉर्टर मीन्स ओखली यूज फॉर क्रशिंग। द कॉप्स आर क्रश्ड विथ अ पेस्टर मीन्स मूसली एंड द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम द कॉप। सो फर्स्ट आपने देखा कि फार्म में से क्या किया जाता है, बाजरा मीन्स मिलेट के जो कॉप्स होते हैं उस कॉप्स को कट करके उसे ओखली में रखा जाता है मीन्स मोटर में रखा जाता है, देन उसे क्रश करके उसमें से सीड्स को सेपरेट किया जाता है। देन सीड्स इन पिक्चर 3, नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स लाइक थ्रेसर्स। वी कॉल बोथ दीज एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज ओवर हैंड और बिग मशीन टू क्रश द सीड्स। सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, दिस इज अ थ्रेसिंग मशीन। दिस मशीन इज कैरीड आउट द सीड्स फ्रॉम कॉप। ओके, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड थ्रेसिंग। नाउ व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज टू कट द स्टेम इन पिक्चर 1? व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर इन पिक्चर 4? व्हाट वेस्ट टेक्नोलॉजीज वुड हैव यूज टू डू द वर्क शोन इन पिक्चर नंबर 5 एंड 6? यू कैन सी दैट द डॉट इज रेडी इन पिक्चर 6। व्हेन डू यू थिंक अ सीव मीन्स चालनी वुड हैव बीन यूज्ड? डिस्कस इट्स स्टेप इन डिटेल इन एनी लैंग्वेज यू विश टू यूज। सो फ्रेंड्स, नाउ अब हम हिंदी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसे सेपरेट करके उसे चक्की में पीसा जाता है। सो फर्स्ट उसे खेत से क्या करते हैं, उसका हार्वेस्टिंग मीन्स कट करते हैं, तो उसके कॉम को, बाजरा के मीन्स मिलेट के कॉम को इस तरह से कट करते हैं जिसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। देन उसे चक्की में, सॉरी मूसली मीन्स पेस्टल में, पेस्टल से उसे सीड को सेपरेट किया जाता है किसमें, मोर्टार मीन्स ओखली में। ओके, बट नाउ डेज किसका यूज होता है, थ्रेसर का, थ्रेसर मशीन का यूज होता है एंड सीड्स को सेपरेट करते हैं, देन उसे चक्की में पीसा जाता है, देन सीड्स से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यस फ्लोर, आटा में, देन उसका डॉट बनाया जाता है मीन्स आटा गूंद के उसे इस तरह से रोटी बनाई जाती है, उसे तवा पे सेक के उसे प्लेट में रखा जाता है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव लर्न। सो फ्रेंड्स, there have been many changes over time in our food
What can this mean? Use the sit story and what you know from your elders to explain. So friends, आपको आपके elders से पूछना है कि किस तरह से पहले farming किया जाता था and nowadays अभी के days में किस तरह से farmers farming करते हैं, okay? And then what would happen if all farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? So जो अब सभी farmers, अगर all farmers, सभी farmers एक ही type के crop लगाते गए and एक ही type के seed grow करते गए, तो क्या होगा? हमें different type के grains, different type के pulses हमें मिल पाएंगे? No. So friends, इस तरह से अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं एंड nowadays फार्मिंग में क्या होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज होता है. लाइक पहले लोग क्या करते थे, किसी भी फूड को, मीन्स जो आदि मानव थे, पहले के लोग थे, तो वो क्या करते थे, एनिमल्स को कट करके उसे खा जाते थे. देन एनिमल को हंट करके वो खा जाते थे. देन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी मीन्स थोड़ी बहुत चेंजेस आए, वो क्या करने लगे, एनिमल्स को हंट करके उसे बॉइल करके या फिर उसे फायर में उसे सेक के देन उसे ईट करने लगे. देन धीरे धीरे वो वेजिटेबल्स का यूज करने लगे, कच्चे वेजिटेबल्स को खाते थे, देन उसे बॉइल करके खाने लगे. उसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई, वो अलग अलग स्पाइसेस का यूज करने लगे, फूड को बॉइल करके खाने लगे. तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप होती गई. एंड देन हार्वेस्टिंग के लिए पहले किसका, निकल का यूज होता था. सो सीकल से पहले हार्वेस्टिंग होता था. एंड एट नाउडेज अभी क्या होता है, बड़े बड़े हार्वेस्टिंग मशीन्स से हार्वेस्टिंग किया जाता है. सो इट इज ऑल द टेक्नोलॉजीज. तो फ्रेंड्स, आपको भी आपके एल्डर्स से पूछना है कि किस तरह से पहले फार्मिंग होता था एंड अब किस तरह से फार्मिंग होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज फील्ड में यूज होती है, वो आपको अपने एल्डर्स से डिस्कस करना है एंड अपनी नोटबुक में लिखना है. सो फ्रेंड्स, विथ दिस टॉपिक ओवर चैप्टर नंबर 19, सीड टेल ऑफ फार्मर स्टोरी इज कंप्लीट एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.